हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। देखिए, जायंट ओजोन होल फाउंड ओवर द एंटार्क्टिका, रीजन टू वरी। क्या ये रीजन है हमारे वरी करने के लिए? चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले एंटार्क्टिका आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब देखिए, ये इंडिया, हम जाएंगे नीचे में, ये एंटार्क्टिका है। यहाँ पे कोई लैंडमार्क, मतलब बीच में इंडिया और एंटार्क्टिका के लैंडमार्क नहीं है। हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर बोट लेके चले, हम पहुँच जाएंगे एंटार्क्टिका। तो ये हमारा हिसाब था इंडिया से साउथ में बिल्कुल एंटार्क्टिका। और एंटार्क्टिका देखिए कितना बड़ा है, यहाँ पे सिर्फ स्नो है, ठीक है। यहाँ पे ब्राज़ील से, यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका, ये इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया, तो घूम फिर करके यही बात है। यहाँ ये एंटार्क्टिका है मेन, आपको ये लोकेशन पता होना चाहिए, इंडिया के स्ट्रेट साउथ में। तो चलिए देखते हैं। सैटेलाइट मेजरमेंट्स ओवर एंटार्क्टिका हैव डिटेक्टेड अ जायंट होल इन द ओजन लेयर अबव द फ्रिजिड कॉन्टिनेंट, मतलब जहाँ पे बर्फ जमा हुआ है। द होल स्पेंस एन एरिया ऑफ 26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, रफली 3 टाइम्स द साइज ऑफ ब्राज़ील। तो आप देखिए, ये ब्राज़ील हम लोग देख रहे हैं, इतना बड़ा ब्राज़ील है। एक बार आपको मैं मार्क करके दिखा दूँ ताकि आपको पता चले। अब देखिए, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, ये इतना बड़ा ब्राज़ील है आपका, ठीक है। और एंटार्क्टिका मतलब यहाँ पर इसके into 3 टाइम्स में, इतना बड़ा यहाँ पे ओजोन होल हुआ है एंटार्क्टिका में। तो ये तो कंसर्न का इशू है ही। द रिकॉर्डिंग्स वर मेड ऑन September 16 बाय द कोपरनिकस सैटेलाइट, 5P सैटेलाइट ऑन ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA। अब देखिए क्या है, व्हाट इज ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर, ये जो होल दिखा रहा है ओजोन लेयर में, ये ओजोन लेयर एक्चुअली है क्या, हमें ये तो पता चले, तब तो हमें पता चलेगा कि ये ओजोन लेयर में होल हो गया तो हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है। अर्थ एटमोसफियर कंप्राइजेस 5 मेजर लेयर, फ्रॉम द लोवेस्ट ट्रोपोस्फियर, सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर है, स्टेटोस्फियर है, मिजोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, एक्सोस्फियर है। व्हाट इज कॉमनली रेफर्ड एज दी ओजोन लेयर इज रीजन विद इन द स्ट्रेटोस्फियर 15 से 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सर्फेस। सर, स्ट्रेटोस्फियर आप देखिए, सेकेंड वाला, ये हो गया हमारा ट्रोपो, ये हो गया हमारा स्ट्रेटो, ये हो गया हमारा मीसो। आप देखिए, स्ट्रेटो हो गया, मीसो हो गया, और थर्मो हो गया, फिर एक्सो हो गया, ये हो गया हमारा थर्मो एक्सो। यहाँ पे हमारा ओजोन लेयर स्ट्रेटो में पाया जाता है। वेयर द कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन इज हाइएस्ट, तो यहाँ पे ओजोन हमारा O3 होता है, ये हाइएस्ट कंसनट्रेशन है। जैसे ऑक्सीजन O2 होता है, ओजोन O3 होता है। ऑल दो इवन एट द लेयर्स थिकेस्ट देर आर नो मोर देन फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन फॉर एवरी मिलियन एयर मॉलिक्यूल्स। तो अब मतलब जहाँ पे थिकेस्ट भी है, वहाँ पे फ्यू मॉलिक्यूल्स ही अवेलेबल है। नन द लेस, दिस लेयर इज क्रिटिकल फॉर प्लेनेटरी लाइफ एज इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। तो ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे हार्मफुल जो सन से रेज आते हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे अंदर घर के, मतलब अर्थ के, घर हमारा अर्थ हो गया, अर्थ के अंदर वो हार्मफुल रेज को आने नहीं देता है, अपने में ट्रैप कर लेता है। तो ये तो ओजोन लेयर का काम हो गया। वॉट इज ओजोन होल, अब ओजोन लेयर समझ लिया हमने क्या है। ऐसे मानो जैसे अगर ये अर्थ है तो उसके 15 से 50 किलोमीटर के बीच में, अगर 50 किलोमीटर है, यहाँ पे ओजोन लेयर का एक मॉलिक्यूल का ऐसे ब्लैंकेट बना हुआ है, ठीक है। कहीं पे थिक है, कहीं पे थिन है, ये ऐसा ऐसे इसको कवर करके रखा है। अब बाहर से अगर सनलाइट आ रही है, उसके साथ जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रहे हैं, ये उसको ब्लॉक करता है, यहाँ अंदर नहीं आने देता है। और ये क्या है आपका, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में क्या है आपका, O3 ओजोन। बस ऐसे आप इमेजिन करें, ये आपका अर्थ है, ये ऐसे उस रेस को अंदर आने नहीं देता है। अब इसमें होल का मतलब ऑब्वियसली हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे होल हो गया, यहाँ से मॉलिक्यूल्स हट गए, तो यहाँ से जो लाइट आ रही है वो तो आपकी एंटर कर जाएगी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे नीचे में जैसे हमने देखा एंटार्क्टिका है, अगर यहाँ पे इतना बड़ा होल है, तो अब देखिए अगर वो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है, तो वो सबसे पहले क्या करेगी, आइस को मेल्ट करेगी। आप समझ पा रहे हैं, आइस को मेल्ट करेगी, वाटर लेवल इंक्रीज होगा। एंड ओजोन होल इज एक्चुअली जस्ट एन एरिया वेयर देर इज डिप्लीटेड कंसनट्रेशन ऑफ द गैस, जैसा मैंने आपको बताया होल हो जा रहा है। दिस डिप्लीशन वॉज फर्स्ट नोटिस इन दी अर्ली 1980s एंड कंसिडर्ड बाई साइंटिस्ट एट ऑल टाइम द ग्रेटेस्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ। तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इसको बोला जा रहा है,
हमारे लाइफ के ऊपर। इट वॉज मच मोर प्रोनाउंस्ड ओवर द साउथ पोल। साउथ पोल जैसे कि हमने देखा, यहाँ पे अगर साउथ पोल है, यहीं पे अंटार्क्टिका है, सबसे ज़्यादा वो यहीं पर हो रहा है। बाय द मिड 1980s साइंटिस्ट फिगर्ड दैट द चीफ कॉज ऑफ डिप्लीशन वॉज द यूज ऑफ क्लास ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स मोस्ट कॉमन इन विच वर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs हमारे लिए हार्मफुल है, दैट वर यूज एग्जिस्ट एक्सटेंसिवली इन द एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेशन, पेंट्स, फर्नीचर्स इंडस्ट्री। तो ठीक है, CFCs हमारे लिए हार्मफुल है। क्या ये प्रमोट करते हैं? आपके ओजोन होल को बनाते हैं ये लोग। वॉट इज द प्रॉब्लम बीन फिक्स्ड? क्या ये प्रॉब्लम फिक्स हो रहा है? आफ्टर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केम इन टू इफेक्ट इन 1989, देर हैज बीन, जस्ट अ सेकेंड, देर हैज बीन अ स्टडी रिडक्शन इन यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस एंड कॉन्सिक्वेंटली द होल हैज स्लोली श्रंक। एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट्स, मोर ऑफ द मोस्ट ऑफ द ओजोन लेयर विल बी रिस्टोर टू इट्स 1980 स्टेट बाय 2040s। ठीक है, 1980 में जितना डिप्लीशन हुआ था वो उस लेवल पे आ जाएगा 2040 में, मतलब बढ़ेगा नहीं। विद द होल ओवर द एंटार्क्टिक द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल सेट टू रिपेयर बाय 2066। तो ये जो एंटार्क्टिक के ऊपर होल हो रहा है, हम देख रहे, जो सबसे बड़ा होल यहाँ पे हमने देखा इस लेयर पे, यहाँ पे होल हो रहा है, ये 2066 में रिपेयर हो जाएगा। वॉट अबाउट द लेटेस्ट होल देन? तो और बाकी सारे जो है उसका क्या? द साइज ऑफ द होल ओवर द एंटार्क्टिक इज लिंक्ड टू यूनिक मेट्रियोलॉजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन दैट प्रिवेल्स ओवर द कॉन्टिनेंट। इनफैक्ट द होल ग्रोज एंड श्रिंक्स थ्रू आउट द ईयर, बींग एट इट्स लार्जेस्ट बिटवीन द सेप्टेम्बर एंड नवम्बर। तो सेप्टेम्बर नवम्बर में ही लार्जेस्ट हो जाता है। ठीक है, क्लाउस जेनर, ESA's एमिशन मैनेजर ऑफ द कॉपरी निकस सेंटेली 5P, टोल्ड DW दैट द होल ओपन्स अप ड्यू टू अर्थ रोटेशन। अर्थ के रोटेट होने से ये होल खुल जाता है। द विंड क्रिएट्स मिनी क्लाइमेट क्रिएशन, अ शील्ड ओवर द एंटार्क्टिक प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम मिक्सिंग विद सराउंडिंग एयर। व्हेन द विंड डाई डाउन द होल क्लोजेस, ही सेड। तो ये चीज़ है, क्लाइमेट कंडीशन के वजह से भी ये होल हो जाता है अपने। ठीक है, ही एडेड दैट द साइज ऑफ द होल दिस ईयर कुड बी ड्यू टू पर्टिकुलरली वॉयलेंट वॉल्केनिक इरप्शंस ऑफ द कोस्ट इन टोंगा इन 2022 विच सेंट अ लॉट ऑफ वाटर वेपर एंड अदर केमिकल टू द स्ट्रेटोस्फियर। तो ये देखिए, टोंगा का जो हमारे लिए टोंगा इंपॉर्टेंट हो जाता है वॉल्केनिक इरप्शंस के लिए। सो इज देयर एनी रीजन टू वरी? साइंटिस्ट आर कॉन्फिडेंट दैट दिस ईयर्स होल इज नॉट अ कॉज फॉर कंसर्न। हाउ एवर, इन रिसेंट ईयर क्लाइमेट चेंज हैज शोन सिग्निफिकेंट ऑफ अनडूइंग द प्रोसेस मेड ओवर द पास्ट 3 decades। साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट द ग्लोबल वार्मिंग इंड्यूस्ड वाइल्ड फायर विच आर गेटिंग मोर फ्रिक्वेंट एंड इंटेंस अराउंड द वर्ल्ड माइट बी डिप्लीटिंग ओजन लेयर वंस अगेन। द लार्जर देन यूजल आर्टिक जोन होल्स, एंटार्टिक जोन होल्स इन बोथ 2020 एंड 2021 वर लिंक टू वाइल्ड फायर। जैसे हमने एक बार देखा था ब्राज़ील में भी, हमने देखा था एक बार फायर लग गया था अमेजोन फॉरेस्ट में। ठीक है, और टोंगा में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ टोंगा में हमारा वॉल्केनो आ गया। तो सारी चीज़ें यहाँ से इसके ऊपर अफेक्ट कर रही है, प्लस अर्थ का रोटेशन। लेकिन नवंबर से लेके दिसंबर, अक्टूबर से लेके दिसंबर नवंबर के बीच में ये होल जो है सबसे बड़ा रहता है, यहाँ पे ये बात है। अब देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार समरी देख लेते हैं हम लोग क्या है। जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले हमने देख लिया ओजोन होल क्या है। सबसे पहले ओजोन होल देख लिया, ये डेफिनेशन है, दिस लेयर इज क्रिटिकल फॉर प्लेनेटरी। अब देखिए मैं आपको एक बार डायग्राम, ये अर्थ है अपना। ठीक है, यहाँ पे अर्थ से सबसे पहला लेयर आता है अपना ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर है। अब मानिए यहीं पे ओजोन लेयर है अपना, ये अर्थ के ऐसे में ओजोन लेयर, ओजोन के मॉलिक्यूल्स है, इसमें क्या है ओजोन है, ओजोन का कंपोजिशन क्या है O3। ठीक है, यहाँ पे मानिए ओजोन ऐसे है। अब जो सन से आपके, जैसे सन से यहाँ पे अगर मैं सन मानूँ, अगर यूवी रेज आते हैं तो जो इसमें अल्ट्रावायलेट रेज जो हार्मफुल होते हैं उसको ये ब्लॉक कर देता है, अंदर आने नहीं देता है। उसी में क्या होता है, अगर कहीं पे इसका डिप्लीशन हो जाए, होल हो जाए, तो वो अंदर घुस जाएंगे यूवी रेज आपके, तो वो यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस करेंगे। तो ओजोन तो ये हो गया, होल ये हो गया कि वहाँ पे डिप्लीट होने लगे। तो दो चीज़ हमने देख ली, पहला चीज़ ओजोन देख लिया, सेकेंड हमने ओजोन होल देख लिया, जो
डिप्लीटेड द कंसनट्रेशन ऑफ द गैस, गैस क्या है, O3 आपको ओजोन है। साइंटिस्ट के हिसाब से ये ग्रेटेस्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द लाइफ ऑन अर्थ है। साउथ पोल पे सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। सबसे पहले ओजोन होल हुआ था डिटेक्ट 1980s में, जस्ट अ सेकेंड, 1980s में। क्या प्रॉब्लम फिक्स हो गया? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब का, 1989 का, हमारे लिए ये ओजोन से रिलेटेड है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, जो होल है एंटार्क्टिक में आपके, ये साउथ पोल अगर यहाँ पे एंटार्क्टिक है, जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया, यहाँ पे अगर इंडिया, इंडिया के साउथ में एंटार्क्टिक है, साउथ पोल में, तो एंटार्क्टिक का होल बोला जा रहा है आपका रिपेयर हो जाएगा 2026 तक, और जो 1980 के कंडीशन है वो रिस्टोर हो जाएंगे 2040s तक। इसका सबसे बड़ा कॉज क्या है ओजोन डिप्लीशन का, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, प्लस ग्रीन हाउस गैस, प्लस आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, फॉसिल फ्यूल, ये सारी चीज़ें होगी, क्लीन एनर्जी के ऊपर एम्फेसिस, राइजिंग टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें इसी में मिक्स हो रही हैं। सॉरी। तो ये होल ग्रो हो रहा है सितंबर नवंबर में सबसे ज़्यादा रहता है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या क्या रीजंस है, टोंगा में जो आपका वॉल्केनो इरप्ट हुआ, प्लस फॉरेस्ट फायर, रीजंस क्या है इसके, आप देखिए, अगर मैं रीजंस लिखना चाहूँ, रीजंस क्या है, पहला CFCs हो गया, सेकंड और क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर हो गया, थर्ड फॉरेस्ट फायर्स हो गया आपके, ठीक है, फोर्थ आपका वॉल्केनो हो गया, इरप्शन, ठीक है, फिफ्थ आपकी जो वॉर चल रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सस्टेनेबल है? नहीं भाई, जितनी लड़ाइयाँ हो रही है वो सारे में कुछ ना कुछ इतने वो हो रहे हैं, वो हो गया। और एक और रीज़न बताया गया है इसके लिए, अर्थ का रोटेशन, ठीक है, यहाँ पे अर्थ का रोटेशन भी बताया गया है। तो इतनी चीज़ें थी, क्या ये हमारे लिए चिंता की बात है? नहीं, चिंता की बात नहीं है, वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो इस आर्टिकल में हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था, हमें क्यों क्लाइमेट बचाना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द ग्रेटेस्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स, एंड प्लीज़ ओजोन लेयर को बचा लो, जिंदा रहना है तो। थैंक यू।